वन मंथ में ओपन हो गया। डिस्प्ले परचेज जाने का 15 दिन में हो गया और डिस्प्ले वगैरह 7 दिन में हो गया। अच्छे कंपनी इज वेरी गुड। आइए अब मिलते हैं हमारे स्टोर के मैनेजर से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एजाज अहमद। ओके सर, तो हमें बताइए कि आपका ये स्टोर कितने दिन में ओपन हो गया? जी हमारा स्टोर करीबन 1 महीना लग गया, 1 मंथ में ओपन हो गया। डिस्प्ले परचेज जाने का 15 दिन में हो गया और डिस्प्ले वगैरह 7 दिन में हो गया, 1 हफ्ते में हो गया। और शोरूम भी बहुत बढ़िया है, केशवपुर के सर्कल में है। अभी तो ओपनिंग है आज, इसके होगा चलेगा, अच्छा चलेगा। अच्छा, और डाटा एंट्री वगैरह होता है कि क्या कंप्लीट रहा, कैसा रहा, कितने दिन? डाटा कंप्लीट भी अच्छा रहा, सॉफ्टवेयर वगैरह बिलिंग वगैरह वो भी 1 हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग कंपनी वाले ने दे दिया है। और जो हमारे परचेज मैनेजर आए हैं सर, इनका क्या आपका योगदान रहा आप बताइए? अच्छे आदमी, ये भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे चुके हैं, झारखंड से आए हैं परचेसिंग मैनेजिंग, उन्होंने मंगाया है सब मटेरियल्स और सेटिंग भी इन्होंने किया है। अच्छे कंपनी इज़ वेरी गुड, कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छा, और जो ये आप सॉफ्टवेयर पे बिलिंग होती है, ये किसने सिखाया मतलब बिलिंग करना? क्योंकि इसमें भी एक टास्क होता है ना कि जानना होता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना, ये आपको मालूम है सब ये, या हमारे स्टाफ को? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम, कंपनी वाले ने बताया है। ट्रेनिंग तो नितेश ने ही दिया है, हमको किसी को नहीं मालूम, हम जीरो थे, अब थोड़ी ट्रेनिंग ले ली है, मालूम तो हो गई है। तो अभी क्या बिलिंग बढ़िया हो रही है? हाँ अभी अच्छी हो गई है, अभी तो आज तो शुरुआत है ना। अच्छा, और कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, जिससे आप मतलब अपनी साइड से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं? कुछ नहीं, यहाँ तो अच्छी चीज़ मिलेगी, एकदम मार्केट भी अच्छा है, केशवपुर सर्कल में है, रमेश भवन पास है, तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिलेगा, मटेरियल्स भी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, इसमें कुछ ये नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो आइए मिलते हैं हमारे कंपनी के परचेजिंग मैनेजर से, मिस्टर नीतीश सर। कैसे सर आप? अच्छा सर, भैया कितने टाइम हो गए सर आप हमारे जी फ्रेश मार्ट से जुड़े हुए? जी मैं जी फ्रेश मार्ट से जुड़ा हुआ लगभग 1.5 साल हो गए मेरी। अच्छा ठीक है, और ये आप यहाँ पे कब अपॉइंटमेंट लिया? 1 मंथ पहले मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, लगभग 25 डेज हो चुके आए हुए, बस 25 दिन हुए। अच्छा, और आपके जो मतलब इससे पहले आपका साइट विजिट होता है, देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो आप बताना चाहिए? जी वो सबसे पहले आपका स्टोर का साइट वेरिफिकेशन होता है, आपके स्टोर को देखा जाता है, इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद कंपनी हम आपको जैसे मैनेजर को स्टोर पे भेजते हैं परचेजिंग के लिए। जी देन उसके बाद आप यहाँ पे आपका क्या क्या रोल रहता है आपका पूरा इसके? जी सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपका जितने भी वेंडर्स होते हैं उनको फाइंड करते हैं, या फिर कंपनी से कॉन्टेक्ट करके आपके जितने भी प्रोडक्ट वगैरह है उसको डिस्पैच करवाते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री वगैरह होती है, ब्रांडिंग होती है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री का काम कंप्लीट होती है। अच्छा, और एट लास्ट ओपनिंग सेरेमनी होती है। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए जो ये लोकेशन पे है, इसका मार्ट का एरिया कितना है और बजट कितना आया है? ये सर 1700 स्क्वायर फीट है। 1700 स्क्वायर फीट। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ बता रहा है कि परचेजिंग इंटीरियर कैसे बैठी है, कैसे क्या क्या रहे हैं? अप्रोक्स इंटीरियर का 70 लाख हुए। अच्छा जी, और परचेजिंग? परचेजिंग अबव 15 लैक्स। ओके, देन उसके बाद अभी क्या क्या कुछ रह रहा है यहाँ पे, क्या कंप्लीट है? नहीं, अपना पूरी तरह से कंप्लीट है। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए जो स्टोर पे प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या 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 प्रोडक्ट्स हैं, कैस किस वैरायटीज के आप प्रोडक्ट्स में स्टोर पे? देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रॉसरी है, कॉस्मेटिक्स है, और टॉयलेटरीज है, हाउस होल्ड्स है। अच्छा, सब सारे आइटम्स है, फूड्स है, जैसे इधर आपका हो गया ये फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, और
उधर भी कॉस्मेटिक्स है। अच्छा ये बताइए इन पे डिस्काउंट ऑफर कुछ मिलता है हमारे कस्टमर्स? आप जितने भी सर प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं सब पे डिस्काउंट है। अच्छा हर एक प्रोडक्ट? ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अच्छा सब पे डिस्काउंट है सर। डिस्काउंट है अप टू 35% तक आपको डिस्काउंट मिलेगी हर प्रोडक्ट पे। अच्छा अप टू 35%। अच्छा ठीक। अच्छा सर जैसे कि आप ये ममार्थ का प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, इस पे जैसे इसमें MRP रुपीज़ लिखी हुई है, इसमें कहाँ तक कितना डिस्काउंट? MRP सर इस पे 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अच्छा देखिए इस पे MRP है 259, इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा राइट सर जी। ओके और कुछ इस पे कॉस्मेटिक्स पे या कुछ? तो परफ्यूम्स है 20% 30% डिस्काउंट आपको परफ्यूम्स पे मिलेंगे। अच्छा 20% डिस्काउंट इस पे जी। ओके जो भी सर आइटम्स है जैसे कोलगेट है, पेस्ट वगैरह जो भी है सर सब पे डिस्काउंट है। सोप्स है उधर हाउस होल्ड में सर, क्लीनिंग पाउडर्स जो भी है सर, रीन सर्फ एक्सेल सब पे डिस्काउंट है सर। अच्छा अब बाय वन गेट वन फ्री या कुछ? बाय वन गेट वन का भी ऑफर है हमारे पास। जैसे सर ये गुलाब जामुन है इस पर सर बाय वन गेट वन का ऑफर है। अच्छा कॉर्नफ्लेक्स है सर इस पर भी है। मतलब जितने भी ऑफर सर कंपनी प्रोवाइड कराती है ऑफर्स जितना हो सके सर। ग्रोसरीज पे भी आप कुछ बताना चाहेंगे जी? सर ग्रोसरीज पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है इस पे फॉर्चून का। और जितने भी सर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इस पे जैसे ये सर इस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेंगे। फॉर्चून का सूजी है इस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेंगे। मतलब जो भी सर प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं सर सब पे डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट सर स्टोर में जो भी आपको दिख रहा है, एवरेस्ट हो या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट हो, GRB हो, MTR हो या कैच हो, मतलब इन ईच ऑन एवरी प्रोडक्ट सर आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं सभी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है सर। और ये रिंग्स वगैरह भी है सर, जो भी आइसक्रीम है सर सब पे डिस्काउंट आपको। आइसक्रीम से भी डिस्काउंट? हाँ सर एवरी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, ग्रॉसरी में, कॉस्मेटिक्स में, हाउस होल्ड्स में, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे सर डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है सर। ओके